इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं मॉल ऑफ कतर में, जिस पर पीछे मॉल ऑफ कतर है, और मूवी देखने आया हूं अवतार द वे ऑफ वाटर। और चल के देखेंगे 3D या 4D में, अपने प्लान है। और कैसा मूवी है, क्या इसका VFX वगैरह है, वो सब बताऊँगा मैं आपको मूवी देखने के बाद में। तो चलते हैं अंदर और चल के देखते हैं। मॉल के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, द नोवो सिनेमा हॉल में जा रहा मुझे। और मूवी हम जैसा कि बताया आपको कि देखने जा रहे हैं अवतार द वे ऑफ वाटर। इसका बहुत नाम सुना है, बहुत ही बड़ी फिल्म है ये। फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था, सेकंड पार्ट देखने के लिए मैं आया हूँ। और जिस मेरे पीछे में ये दिख रहे ना, मैं मॉल ऑफ कतर के अंदर हूँ। मॉल ऑफ कतर कतर में ही है, अगर चाहें तो गाड़ी से भी आ सकते हैं और चाहें तो बस से भी सर इसका रास्ता हो पता कर लीजिएगा। बट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा मॉल है। अभी हम देखते हैं नोवो सिनेमा हॉल कहाँ पे, टिकट लेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। सिनेमा हॉल ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कब मिलता है। और इसके पीछे में जो है रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे यहाँ पर, और खाने पीने के लिए लोग भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। आज जुमा का दिन है, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं। और बहुत बड़ा मॉल है, मैं इसमें आया हूँ पहले कई, लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ कि जाना किधर है। दिख गया मुझे अभी नोवो, इसमें दिख गया मेरे को। और हम अभी इंटर करेंगे, देखते हैं टिकट वगैरह मिलता है कि नहीं। टिकट फाइनली हमने टिकट ले लिया है अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी का। और टिकट है ये ग्लासेस है, और 90 रियाल कतर का मुझे पड़ा है। 4DX में मैंने लिया है, तो 4DX और IMAX दोनों का प्राइस एक ही पड़ रहा था। लेकिन 4DX में मूविंग चेयर था, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना था। IMAX तो मैं देख लूँगा फिर भी। और सेकेंड चीज़ ये है कि मुझे ग्लासेस वगैरह दे दिया गया है। 3 बजे का शो है, अभी 2 बज रहे हैं, 1 घंटा मेरे पास में है। थोड़ा मैं देखता हूँ, वॉकअप करूँगा, फ़ोटो ले लूँगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं एंटर करूँगा। लेकिन मेरे पीछे में नोवो सिनेमा हॉल है, इसमें मैं जाऊँगा। और मुझे टिकट मिल गया है, हालांकि थोड़ा सामने का मिला, लेकिन फिर भी अभी चलेगा, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले मैंने टिकट लिया, तो अभी कितना अच्छा टिकट मिलने वाला है। तो चल के देखेंगे, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे कि मूवी कैसा हुआ है। और जेम्स कैमरून आई थिंक इसका डायरेक्टर है, तो उन्होंने कैसा डायरेक्ट किया है, कैसा मूवी को बनाया है, और क्या इसमें है, कैसा VFX है, कैसा ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें हम जो है आपसे शेयर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। लेकिन मैं पहले सिनेमा हॉल देख लूँ उसके बाद। और सेकेंड चीज़ मुझे ये मालूम पड़ा है कि जो सिनेमा हॉल इसमें मूवी के अंदर में कोई इंटरवल नहीं है, मतलब कंटिन्यू मूवी चलता रहेगा। तो 30 रियल का जो स्नैक्स मुझे और बेवरेज मिलेगा, वो मुझे लेके जाना है अंदर, और उसको लेके मैं अपना बेवरेज स्नैक्स को अंदर जाकर खाऊंगा। और अच्छा है, 60 रियल मुझे पड़ा लगभग, और 30 रियल का फूड्स है, यानी कि टोटल 90 रियल मुझे पे करना पड़ा। 90 रियल बहुत ज़्यादा होता है, अगर इंडियन मनी में कहूँ तो तकरीबन 2000 मुझे पड़ गए। 30 रियल का मतलब है कि लगभग मुझे तकरीबन मुझे 700 रुपये का फूड मुझे दिया है फ्री। तो तकरीबन मैं कहूँ कि 1300 रुपये मुझे टिकट का पड़ गया है, 700 रुपये मुझे खाने का वाउचर मिला है। तो नॉट बैड, ठीक है, चलेगा अभी, क्या करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि मैं पहली बार किसी गल्फ कंट्री में मूवी देख रहा हूँ। मतलब मैंने आज से पहले कभी भी किसी गल्फ कंट्री में, चाहे मैं कतर में रहा हूँ, बहरीन में रहा हूँ, कहीं दूसरे कंट्री में रहा हूँ, तो मैंने आज तक सिनेमा हॉल में जाकर मूवी को नहीं देखा है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा इस बार कि मैं जाके सिनेमा हॉल में जाके मूवी को देखूँगा। तो वही एक्सपीरियंस करेंगे अभी हम जाके। अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि मुझे फ़ोटो वगैरह भी लेना था अपने लिए, तो मैं फ़ोटो वगैरह भी ले लूँगा और जाके इंजॉय थोड़ा करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा, तो मैं अभी ज़्यादा बात आपसे नहीं कर सकता हूँ उसको। तो जो भी एक्सपीरियंस होगी मैं वो सिनेमा हॉल से निकलने के बाद आपसे शेयर करूँगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, सिनेमा हॉल जस्ट मेरे पीछे में है। अभी 3 ही बजे हैं, तकरीबन मेरे पास में कुछ हाथ में टाइम है, तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ, और तकरीबन आधा घंटे बाद मैं इंटर करूँगा सिनेमा हॉल के अंदर। और जस्ट मेरे पीछे में देख पा रहे ना, बैनर लगा हुआ है वे ऑफ वाटर का, तो यहीं पर हम। पीछे में जो देख रहे हैं ना, वो फूड का स्टॉल है, जहाँ से मैं 30 रियल का वाउचर जो मुझे मिला है, उससे मैं अपना फूड लूँगा और लेके फिर अंदर जाऊँगा। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जाने टाइम लूँगा, क्योंकि भूख लग रहा है यहाँ।
एक्चुअली मैंने 90 रियल का टिकट लिया था, 90 रियल का टिकट में हमने 60 रियल का टिकट था और 30 रियल का वाउचर था, खाने पीने का फूड का वाउचर था। तो उसको हमने जाके जब काउंटर से फूड काउंटर में जाकर लिया है खाने को, तो वो लगभग मेरे को जो दिया है मुझे जो 30 रियल का जो मुझे वाउचर का जो मुझे वाकई में तो 30 रियल का जो मैंने वाउचर जो लिया था उसका जो मुझे फूड मिला है वो सिर्फ मुझे पॉपकॉर्न मिला है, पॉपकॉर्न और एक हाफ लीटर का पानी का बोतल, यानी कि एक थोड़ा सा पॉपकॉर्न दे दिया है और हाफ लीटर का पानी का बोतल मुझे पकड़ा दिया है और इसमें कुछ है नहीं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही महंगा है। पानी के बोतल का 5 रियल मैंने देखा था, उसमें था 5 रियल, 5 रियल का पानी का बोतल जो कि बाहर मुझे 1 रियल मिलता है वो भी मुझे महंगा लगता है, यानी 1 रियल का पानी की बोतल का दाम यहाँ पे 5 रियल मुझे पड़ा। और पॉपकॉर्न 24 रियल, यानी 24 रियल का मतलब भर पेट करके आप चिकन और रोटी खा लेंगे, बाहर में खाना खा लेंगे, भर पेट खाना खा के 2 आदमी खा लेंगे, एक नहीं 2 आदमी बाहर में खाना खा लेगा भर पेट आदमी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है पॉपकॉर्न मिला है 24 रियल का, तो काफ़ी महंगा लगा। 30 रियल मुझे लगता है कि ये एक तरह का बिजनेस है, ट्रिक है पैसा मतलब जो है कमाने का। 60 रियल का टिकट ठीक था लेकिन 30 रियल का वाउचर अब तक मुझे सही नहीं लगा है, अंदर चले के देखेंगे और क्या करें। सो फाइनली मैंने अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी देख लिया है, मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही बाकमाल की मूवी है और जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैंने 4D में देखा था, 4D मैंने अपने लाइफ में पहली बार अब तक देखा है, तो मैंने 4D मूवी मैंने पहली बार देखा है सिनेमा हॉल में। हालांकि मैंने 3D मैंने इंडिया में देखा था, मुझे उतना कोई खास नहीं लगा था, लेकिन आज जो मैंने देखा है 4D मूवी, ये 3D में 3D 4D बोल सकते उसको, और सब कुछ 3D जैसा रहता है और 4D में होता ये है कि मतलब चेयर वगैरह मूव करेगा और आपको महसूस होगा कि आप जैसे सिनेमा हॉल में जैसे आप करेक्टर में घुस गए, मतलब आपको मतलब जैसे अगर हवा चलेगा तो फेस पे हवा लगेगा और अगर गोली वगैरह चला तो गोली मतलब चलेगा आपके ऊपर में, मतलब ऐसा कुछ फीलिंग ऐसा आएगा, और कहीं पर अगर खुशबू हुआ तो एक खुशबू सा मतलब जो है आपके फेस पे लगेगा, खुशबू आएगा, ये सब है 4D में। और पर्सनली अवतार मूवी मतलब जो है अगर आपको देखना है तो 3D में देखिएगा, 2D में मतलब देखना है तो सिर्फ तो फिर आप घर पे देख लीजिएगा, मतलब आप मोबाइल पे देख लीजिए तो बेहतर होगा, 2D में देखने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पैसे सेव करना तो भी ठीक है आप देख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो है मूवी देख के काफ़ी अच्छा लगा, और अगर आप देखना चाहते हैं अवतार मूवी तो देख सकते हैं, मूवी अच्छा लगा। हालांकि टिकट और महंगा था यहाँ पे कतर में, तो अगर आप कहीं तो ओवरऑल ही कहूँगा कि अगर आप अवतार मूवी देखना चाहते हैं तो आप 3D में ही देखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। 2D में देख के कोई खास मज़ा आपको नहीं आता, 3D में देख के लगता है कि जैसे मतलब मैंने एकदम जो है इतना अच्छा मतलब ग्राफिक्स वीएफएक्स जो देखने को मिला है, और वो पानी का समुंदर का मतलब जो है अंदर के जो होते हैं कोरल और फिश वगैरह, वो जंगल की खूबसूरत फूल और वादियाँ जो देख के जो खूबसूरती जो देख के लगता है दोस्तों, क्या खूबसूरत डायरेक्शन, क्या खूबसूरत जो है वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया है, एकदम लाजवाब बेहतरीन था। पर्सनली मुझे अच्छा लगा, अगर आप चाहें तो जाके मूवी को देख सकते हैं और देखना चाहिए दोस्तों, वाकई में जो मूवी है ना नेक्स्ट लेवल का है, इंडिया में अभी तक मूवी ऐसा मैंने देखा नहीं है जो मूवी ये दिखाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, अगर आप चाहें तो उसके बाद। सो द वे ऑफ वाटर मूवी मैं कहूँगा कि आप जाके ज़रूर देखिए, मूवी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नया यूनिक मुझे लगा, और ऐसा मूवी बहुत ही कम आता है, अगर आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में कहीं भी लगा हुआ है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, मूवी बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों और असली कहूँ तो, और जितनी तारीफ़ करो उतने कम है, बहुत ही अच्छा। जेम्स कैमरॉन जो डायरेक्टर इसका है बहुत ही बेहतरीन, एक्टिंग बहुत बेहतरीन लगा, और VFX तो एकदम कमाल का लगा दोस्तों, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का VFX है। हालांकि कुछ स्टोरी में कोई खास दम नहीं है, अब कुछ स्टोरी में कोई खास कुछ समझ मतलब उतना मुझे खास मज़ा नहीं आया, लेकिन हाँ जो VFX है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या बताऊँगा मैं, कुछ नया दुनिया में आप चले गए हैं ऐसा लगेगा, एक नई दुनिया, एक नया जगह, मतलब ऐसा लगे ऐसा एक फेक वर्ल्ड या फिर फेक जो है, मैं तो कुछ देर के लिए सोच रहा था मैं कौन दुनिया में आ गया दोस्तों, ऐसा लगा, लेकिन मैं अपने को संभाल रहा था कि मैं भाई ये दुनिया फेक है, मैं अपने को कह रहा था, मतलब आप मूवी देखते देखते ऐसा लगेगा, 3D में अगर मूवी देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग दुनिया में आ गया है, एक अलग दुनिया ही आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना ही अलग का टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मूवी 3 घंटा से ज़्यादा का है, बड़ी मूवी है, जरा देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों पर्सनली, आप अगर आप देखते हैं या आपने देखा है तो मुझे कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा लगा, तो सही है। चलो
बाय।